नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोगों ने एक ज्योतिष ज्ञान के नाम से सीरीज चलाई है, जिसमें बहुत बेसिक से लेके और एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक हम लोग पढ़ाएंगे। उस सीरीज के अंदर करीब 45-46 पार्ट्स हो चुके हैं। टोटल मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट इतने ही पार्ट्स उसमें हो चुके हैं। तो अगर आपने वो पार्ट्स देखे हों तो ये पार्ट्स देखने का आपको कंटिन्यूशन में है तो बहुत अच्छा लगेगा और आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग पढ़ेंगे, पीछे हमने पढ़ा था दशा के बारे में, विमशोत्री दशा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर दशा के बारे में कि अंतर दशा क्या होती है और अंतर दशा के फल कैसे मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फल देने वाली जो चीज होती है वो अंतर दशा होती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि महादशा इंसान की प्रकृति को चेंज करती है, फल जो देती है वो अंतर दशा देती है। फल गिविंग अंतर दशा होती है। अब अंतर दशा क्या होता है? जैसे ग्रहों की महादशा के बारे में तो आपको बताया कि 120 वर्ष की ग्रहों की महादशा होती है, सूर्य से लेके और केतु पर्यंत सारे ग्रह उसमें आ जाते हैं। 120 वर्ष की महादशा टोटल होती है। अब हर ग्रह में हर ग्रह की अंतर्दशा स्टार्ट होती है। जैसे आपने ये देख लिया, आपने निकाला कि बच्चा जो था वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ, बच्चे का जन्म नक्षत्र कोई था तो आपने उसका पूर्व फागुनी था, पूर्व फागुनी का आपने देखा स्वामी शुक्र है तो आपने कहा भाई शुक्र की दशा है, तो शुक्र की दशा उसकी हो गई। अब दशा के अंदर अंतर दशा भी चलेगी और अंतर दशा के अंदर प्रत्यंतर दशा भी चलेगी और प्रत्यंतर दशा के अंदर सूक्ष्म दशा भी चलेगी और फिर उसके अंदर प्राण दशा भी चलेगी। इस तरीके से संगम रहता है। तो दशा तो आपने निकाल ली कि शुक्र की दशा है या सूर्य की दशा है या शनि की दशा है जन्म के समय बच्चे की, लेकिन उसके बाद उसकी अंतर दशा भी मिलेगी। तो जैसे ही कोई भी दशा आती है, सूर्य की दशा आती है या चंद्रमा की दशा आती है, तो उसके अंदर पहली अंतर दशा उसी ग्रह की होगी। यानी सूर्य में पहली अंतर दशा सूर्य की ही होगी या चंद्र में पहली अंतर दशा चंद्र की होगी, फिर चंद्र में दूसरी अंतर दशा मंगल की होगी, फिर राहु की होगी, फिर गुरु शनि बुध केतु शुक्र और फिर सूर्य आएगा। आएंगे सारे ग्रह, कोई भी ग्रह बाकी नहीं रहेगा। क्रम यही है ग्रह दशा का, सूर्य से है, चंद्र है, मंगल है, राहु है, इस तरीके से क्रम है। गुरु है, शनि है, बुध है, केतु है, शुक्र है, ये सारा क्रम है। आएंगे सब उसी क्रम के अंदर। अगर चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा में पहले चंद्रमा की अंतर दशा होगी, फिर मंगल की अंतर दशा होगी, फिर राहु की होगी, फिर गुरु की होगी, उस क्रम में ये चलेंगे। और जहां सूर्य की खत्म हो जाएगी उसके बाद सूर्य ये अंतर दशा का चक्र पूरा हो जाए। अब जैसे मंगल में मान लिया आ जाए, मंगल की दशा किसी की हो तो क्या होगा? तो मंगल में पहले मंगल की अंतर दशा होगी, मंगल में पहले मंगल की अंतर दशा होगी, फिर मंगल में राहु की आएगी, फिर मंगल में गुरु की आएगी, फिर मंगल में शनि की आएगी, फिर मंगल में बुध की अंतर दशा आएगी, फिर मंगल में केतु की अंतर दशा आएगी, फिर मंगल में शुक्र की अंतर दशा आएगी, फिर मंगल में सूर्य की आ जाएगी और फिर मंगल में चंद्र की अंतर दशा आ जाएगी। ऐसे सारे ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे। तो अंतर दशा में सारे ग्रह कंप्लीट होने बहुत आवश्यक है। अब अंतर दशा निकालते कैसे हैं, ये एक मैं आपको छोटा सा मैनुअल प्रोसेस बता देता हूँ। वैसे तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सब चीज निकाल के देता ही है, लेकिन फिर भी एक छोटा प्रोसेस हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे की सूर्य की महादशा चल रही है, किसी भी जातक की सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य की महादशा होती है 6 वर्ष। तो हमने कहा कि सूर्य में पहले अंतर दशा सूर्य की आएगी, फिर सूर्य में चंद्र की आएगी। अब कैसे निकालें? सूर्य में सूर्य की अंतर दशा हो तो सूर्य की टोटल अंतर दशा होती है 6 वर्ष, तो 120 साल में से सूर्य की अंतर दशा होती है 6 साल। 120 साल में से, सिंपल फार्मूला है, 120 साल में से सूर्य की अंतर दशा होती है 6 साल, तो 1 साल में से सूर्य की अंतर दशा कितनी हुई? 6 डिवाइडेड बाई 120 साल। 120 साल में सूर्य की अंतर दशा है 6 साल, तो 1 साल में सूर्य की अंतर दशा कितनी हुई? 6 डिवाइडेड बाई 120। और फिर सूर्य की 6 वर्ष की है, फिर 6 में कितनी हुई? तो 6 डिवाइडेड बाई 120 × 6, यानी 3.6 मंथ्स इसका आ गया, दशा आ गई। अब सूर्य में चंद्र की लेते हैं कि सूर्य में चंद्र की दशा कैसे निकालें। तो हम जानते हैं कि 120 वर्ष में से सूर्य की दशा होती है 6 वर्ष। 120 वर्ष में से सूर्य की दशा होती है 6 वर्ष, तो 1 वर्ष में से सूर्य दशा हुई 6 डिवाइडेड बाई 120 वर्ष। और चंद्रमा की दशा होती है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में से कितनी हुई?
सिक्स डिवाइडेड बाई 120 इंटू 10, 6 मंथ्स। इसी प्रकार हम लोग बाकी ग्रहों की अंतर्दशा को भी निकाल लेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। जब सूर्य की बात कर रहे हैं तो 6 डिवाइड बाई 120 तो एक साइड आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है उस ग्रह की दशा से, अंतर्दशा जिसकी निकाल रहे हैं आप, तो उस ग्रह की दशा पीरियड कितना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 बाई 120 को, तो आपकी दशा निकल आएगी सूर्य केस। ऐसी बाकी केस में निकाल सकते हैं। चंद्र केस में 10 डिवाइडेड बाई 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बाकी ग्रह हैं उनकी दशा कितनी है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो उनकी अंदर दशा उनके अंदर आ जाएगी, चंद्रमा के अंदर आ जाएगी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एकदम मैनुअल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, याद रहेगा। इसके बाद जैसे हमने बताया आपको कि फल जो देता है वो अंतर दशा देता है, महादशा इंसान की प्रकृति को चेंज करती है लेकिन फल अंतर दशा देती है। अब महादशा तो इंसान की प्रकृति कैसे बनाती है, शनि की महादशा हो शुक्र की महादशा हो, तो इंसान की प्रकृति कैसी होती है ये तो हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो वहां पे देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर वो भी। और आज हम बात करेंगे कि किसकी अंतरदशा है तो फल कहाँ कहाँ के मिलेंगे। मान लो किसी भी ग्रह की अंतरदशा है, सपोज कीजिए गुरु की अंतरदशा है, तो फल कहाँ कहाँ के मिलेंगे, कौन से फल मिलेंगे। तो फल मिलने का सबसे बढ़िया रीजन उन्होंने बताया है कि अपने स्वतंत्र कारकत्वों के, यानी गुरु के जो भी स्वतंत्र कारकत्व हैं, गुरु का स्वतंत्र कारकत्व क्या है, धन देना, ज्ञान देना, ये गुरु का स्वतंत्र कारकत्व है, संतान देना। तो गुरु की दशा में चाहे आपका संतान भाव एक्टिव हो या ना हो, आपको संतान मिल सकती है। चाहे आपका धन भाव एक्टिव हो या ना हो, आपको धन मिल सकता है, ज्ञान आपको मिल सकता है। चाहे आपकी विवेक बुद्धि का भाव इतना एक्टिव क्यों ना हो भले, लेकिन ज्ञान आपको मिल सकता है, क्योंकि गुरु के स्वतंत्र कारकत्व है ये चीज देना। तो जब भी गुरु की दशा आएगी या किसी भी ग्रह की दशा आएगी तो पहला फल तो वो देगा अपने स्वतंत्र कारकत्व। दूसरा फल कहाँ का देगा वो, दूसरा फल देगा काल पुरुषी कुंडली में किन भावों का स्वामी, काल पुरुषी कुंडली में किन भावों का स्वामी। अगर हम गुरु की बात करें तो वो काल पुरुषी कुंडली में 9वें और 12वें भाव का स्वामी होता है, भाग्य भाव का और व्यय भाव का स्वामी होता है। तो हमको भाग्य भाव और व्यय भाव के रिजल्ट भी मिलेंगे गुरु की दशा में। तो ये निकाल के चलना है आपने, जब भी गुरु की दशा आए तो आप सोच रहे हैं कि क्या प्रेडिक्शन करें, तो आपको देखना पड़ेगा गुरु की दशा अंतर दशा आ रही है तो क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जो अंतर दशा आई है उसके रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जिस भी ग्रह की अंतर दशा है, पहले तो रिजल्ट वो देगा अपने स्वतंत्र कारकत्वों के। अगर मंगल है तो पराक्रम देगा, एनर्जी देगा, चोट चपेट देगा। शनि है तो बीमारी दे सकता है, दुख दे सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बुध है तो खेलकूद में इंटरेस्ट पैदा करा सकता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करा सकता है, अगर बुध की अंतर दशा है तो। ये इसके स्वतंत्र कारकत्व। तो पहले रिजल्ट तो हो गए अपने स्वतंत्र कारकत्वों के। दूसरा रिजल्ट मैंने बताया कि काल पुरुषी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है वो अंतर दशा नाथ, उन भावों के रिजल्ट को भी वो करेगा। तीसरा, जहां वो बैठा है वहां के रिजल्ट वो करेगा। जहां वो बैठा है यानी जिस भाव में वो बैठा है, चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव का रिजल्ट करेगा, पांचवें भाव में बैठा है तो पांचवें भाव का रिजल्ट करेगा। तो जहां बैठा है वहां के रिजल्ट वो करेगा, जहां पे वो देख रहा है अपनी दृष्टियों से वहां के फल भी वो करेगा। अच्छे फल करे या बुरे फल करे, फल तो करेगा, क्योंकि ये तो हम कहते ही हैं कि अशुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। शुभ ग्रह मीन्स नैसर्गिक शुभ ग्रह, जैसे शुक्र और गुरु हो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। किसी भी भाव पे दृष्टि डालते हैं तो उस भाव की वृद्धि होती है, उस भाव के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अब फल दे रहा है वो जहां बैठा है, जहां देख रहा है, फिर वो फल देगा जिस भाव का वो कारक है। अब गुरु होता है तो गुरु कई सारे भावों का कारक भी है, गुरु धन का भाव का कारक भी है, गुरु भाग्य भाव का कारक भी है, गुरु लाभ भाव का कारक भी है, तो वहां के फल भी वो दे सकता है जिन भावों का कारक है। आपके कौन कौन से भाव के स्थिर कारक क्या है ये पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियोस में, अगर आपने ना देखे हो तो वो देख लीजिए। हर भाव के स्थिर कारक होते हैं, जैसे पहले भाव का सूर्य होता है, दूसरे भाव का गुरु होता है, तीसरे भाव का मंगल होता है, चौथे भाव का चंद्रमा होता है, पांचवें भाव का फिर गुरु आता है, छठे भाव का मंगल और शनि हो जाते हैं, सातवें भाव का शुक्र हो जाता है, आठवें भाव का शनि, नौवें भाव का आपका फिर गुरु हो जाता है, सूर्य भी हो जाता है वैसे, दसवें भाव का
आपका शनि हो जाता है, बुध हो जाता है, 11वें भाव का आपका गुरु हो जाता है और 12वें भाव का आपका शनि हो जाता है। तो गुरु की अंतर्दशा हो तो वो काल पुरुषी कुंडली में जिन जिन भावों का कारक है वहां के फल भी वो दे सकता है। आप सोचेंगे यार गुरु की दशा आई है, इसने तो केवल चौथा भाव एक्टिव किया है तो चौथे भाव के रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो बहुत सारी चीजों के मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि जो भाव एक्टिव हो आपका आपको उसी के रिजल्ट मिल रहे होते हैं, आपको रिजल्ट तो बहुत सारे मिल रहे हैं। तो वो उसी रीजन से होता है क्योंकि वो रिजल्ट अलग अलग भावों के दे रहा है। अंतरदशा आते ही, अंतरदशा आते ही अपने स्वतंत्र कारकत्वों के फल वो दे रहा है। काल पुरुषी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है वहां के फल वो दे रहा है। काल पुरुषी कुंडली में जिन भावों का वो कारक है वहां के फल वो दे सकता है, वहां के फल वो देगा आपको। उसके अलावा जहां बैठा है ग्रह वहां के तो उसको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां तो बैठा है तो फल तो उसने ही करने हैं। जहां देख रहा है वहां के फल उसने ही करने हैं। अब क्या बचा? जिन भावों का स्वामी है कुंडली में, जिस भी कुंडली के लिए हम बात कर रहे हैं, जिन भी भावों का स्वामी है वहां के फल भी वो देगा, बशर्ते उन भाव में ना कोई ग्रह बैठा हो ना कोई ग्रह देगा। ये आपको याद रखना है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि काल प्रेजेंट कुंडली में जिन भावों का स्वामी है ग्रह, उनके फल भी वही देगा। ऐसा नहीं है। जिन भावों का वो स्वामी है उन भावों में अगर कोई ग्रह बैठा है या उन भावों को कोई ग्रह देख रहा है तो वहां का फल वो देंगे। बाकी जो फल बताया मैंने ये वाला, लेकिन वहां ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा है तो अपने स्वामित्व वाले भावों के फल भी अंतरदशा ना अपनी दशा में देगा। इसके लिए देखते हैं कि अभी ग्रह बली है या ग्रह निर्बल है। तो ग्रह बली कब होता है? हम लोग बात करते हैं कि ग्रह बली है ग्रह निर्बल है। सामान्य रूप से छठे आठवें बारहवें स्थान में गए ग्रहों की दशा अच्छी नहीं जाती। अगर कोई ग्रह छठे आठवें बारहवें स्थान में चला गया या इनके भाव के स्वामी जो होते हैं वो भी थोड़ी दशा कष्टकारी होती, इतनी अच्छी दशा उनकी नहीं जाती। सामान्य रूप से जो छठे आठवें बारहवें स्थान में गए ग्रह हैं उनकी दशा। शुभ फल कब कहते हैं? कि शुभ फल जब ही होते हैं जब भावेश उत्तम स्थान में, यानी किसी भाव का स्वामी उत्तम स्थान में। उत्तम स्थान मतलब क्या हुआ? केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में किसी भाव का स्वामी, किसी भाव का कारक भी। भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, भाव में कोई उच्च ग्रह का उच्च का ग्रह बैठा हो, भाव शुभ पत्री में हो, भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में चला गया हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, भाव का कारक है वो भी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में गया हो, वो भी शुभ ग्रहों से ग्रस्त शुभ ग्रहों से युत हो, तो जाहिर है कि रिजल्ट आपको बहुत ही फैंटास्टिक मिलेंगे। और वहां जाके वो वक्री हो जाए तो और अच्छा, क्योंकि वक्री होने से चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो फल डिपेंड करते हैं इन चीजों पे कि अंतरदशानाथ आपका किन भावों का स्वामी है, किन भावों में वो पोजिशन है। स्वामी के साथ साथ जरूरी है कि उसकी स्थिति क्या है, ये बहुत आवश्यक है। तो स्थिति देखना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि ये केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी है तो ये पूर्ण योगकारी ग्रह हो गया, लेकिन अगर वो आठवें भाव में जाके बैठ गया तो वो पूर्ण योगकारिता उसी खत्म हो जाती है, वो पूर्ण योगकारी रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि फिर उसको आठवें का रिजल्ट करना, आठवें भाव में बैठा है। ठीक है, अपनी चीजों का वो शुभत्व लेके चलेगा, जो अपनी उसकी करेक्टरिस्टिक है वो शुभ भावों का स्वामी है तो उसका प्रभाव तो वो रखेगा, लेकिन रिजल्ट तो उसे आठवें के देने पड़ेंगे ना। तो इसलिए जरूरी है कि ग्रह अच्छा पोजिशन हो, अच्छे स्थान में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में ग्रह बैठा हो। तो ये था अंतरदशा के बारे में। अब हम पढ़ाएंगे अंतरदशा में अनुकूल दशा और प्रतिकूल दशा क्या होती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी दशा ऐसी होती है जो इंसान के लिए अनुकूल होती है और कौन सी दशा ऐसी होती है जो इंसान के लिए प्रतिकूल होती है। प्रतिकूल मीन्स उनके विपक्ष में जाती है, अनुकूल दशा उनके पक्ष में जाती है, उन्हें फेवर करती है, उनको फायदा पहुंचाती है। और इसके साथ ही मैं एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग भी एडवांस एस्ट्रोलॉजी का ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक रेमेडीज का कोर्स हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं कि उपायों के बारे में, उसको भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे संपर्क करके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।